नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज सिंह आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ आराध्य आरएएस एकेडमी में। कल अपन ने बात करी थी प्राचीन सभ्यता के, इसमें अपन ने दो सभ्यताएं पढ़ी थी, एक तो पढ़ी थी आहड़ और एक कालीबंगा। तो आज अपन पढ़ेंगे बैराट सभ्यता। बैराट सभ्यता है, ये जयपुर में स्थित है, जयपुर में स्थित है और बाण गंगा नदी के मुहाने पर। गंगा नदी के मुहाने पर स्थित है। इसका उत्खनन करता है जो दयाराम सानी है, 1936 से लेके 1937 तक। उत्खनन करता थे, ठीक है। दूसरी बार उत्खनन किया था वो नील रतन बैनर्जी तथा कैलाश चंद दीक्षित ने, यानी कि दूसरी बार उत्खनन किया था नील रतन बैनर्जी। कैलाश चंद दीक्षित। दीक्षित ने उत्खनन किया था 1837 में। कैप्टन भट्ट ने बाबरू शिलालेख खोजा था 1837 में। बाबरू शिलालेख खोजा था। इस शिलालेख के नीचे ब्राह्मी लिपि में बुध, धम्म एवं संघ तीन शब्द लिखे हुए हैं। संघ, ये तीन शब्द लिखे हुए हैं इस बाबरू शिलालेख के नीचे ब्राह्मी लिपि में। वर्तमान में यह कोलकाता संग्रहालय में स्थित है। कोलकाता संग्रहालय में स्थित है। ठीक है, वर्तमान में यह कोलकाता संग्रहालय में स्थित है। इसके उत्खनन में 36 मुद्राएं मिली है, टोटल इसमें 36 मुद्राएं मिली है। ठीक है, 36 मुद्राएं मिली है, इसमें से 28 है वो इंडो ग्रीक मिली है। इसमें से जो 28 इंडो ग्रीक, जिसमें से 16 है जो मिनेंडर, राजा मिनेंडर, यूनानी शासक था राजा मिनेंडर, उसकी मिली है 28 में से 16 उनकी मिली है। ठीक है, और बाकी की 8 है जो इंडो चांदी पंचमार्क मिले हैं। बाकी की जो 8 है वो चांदी पंचमार्क। चांदी पंचमार्क सिक्के मिले हैं। ठीक है, 634 ईस्वी में, 634 ईस्वी में हर्षवर्धन के शासनकाल में ऐनसांग विराटनगर आता है और अपनी सीयू की पुस्तक के अंदर 8 बौद्ध मठ होते हैं, है ना, उनके बारे में बताया है। यानी कि 634 ईस्वी में ऐनसांग आता है। इंसान जो हर्षवर्धन के काल में आता है और इसने अपनी पुस्तक सीयू की, पुस्तक लिखी थी जिसमें 8 बौद्ध मठ बताए हैं। बौद्ध मठ बताए हैं। ठीक है,
ये हो गया अपना करंट सभ्यता के बारे में अपन ने पढ़ लिया है। अब पढ़ेंगे अन्य सभ्यताएं, अन्य ताम्रयुगीन सभ्यताएं। अन्य ताम्रयुगीन सभ्यताएं जिसके अंदर अपन पहली बात करेंगे नंबर एक जो है गणेश्वर, गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता है जो सीकर जिले में नीम का थाना में स्थित है। नीम का थाना तहसील में यह स्थित है। इसका उत्खनन जो किया था आरसी अग्रवाल विजय कुमार ने किया था। उत्खनन आरसी अग्रवाल। विजय कुमार ने किया था। यह 1977 में किया गया था। ठीक है। इसका गणेश्वर है जो सीकर जिले में नीम का थाना में तहसील में स्थित है। इसमें 1000 तीर और 2000 जो ताम्र उपकरण मिले हैं। इसमें 1000 तीर व 2000 ताम्र उपकरण। ठीक है। और ये लोग क्या करते थे, अपने जो तांबे की जो बनी वस्तुएं थी जो हड़प्पा भेजी जाती थी। ठीक है। और यहाँ के जो लोगों के लिए खाने का जो राशन आता था वो वहां वहीं से आता था। यानी कि अपन बात करें तो तांबे की वस्तुएं थी जो हड़प्पा में से हड़प्पा भेजी जाती थी गणेश्वर से, यानी कि गणेश्वर से। तांबे की वस्तुएं हड़प्पा भेजी जाती थी। ठीक है। भेजी जाती थी और वहां से जो जो अनाज था वो यहाँ के निवासियों के लिए मिलता था। यानी कि कहां से, हड़प्पा से अनाज आता था। अनाज आता था किसके लिए, गणेश्वर के लोगों के लिए, लोगों के लिए। वहां से जो खाने के लिए जो अनाज था वो आता था। ठीक है। अब अगर इसके बारे में बात करेंगे अपन सुनारी, सुनारी सुनारी है यह झुंझुनू खेत भी झुंझुनू में स्थित है। खेतड़ी झुंझुनू में यह स्थित है। यहाँ खुदाई के दौरान यहाँ लोहा गलाने की भट्टी मिली है। यहाँ लोहा गलाने की भट्टी मिली है। ठीक भट्टी मिली है। खेतड़ी झुंझुनू में सुनारी सभ्यता स्थित है। ठीक है। इसके बाद में अपन बात करेंगे कुराड़ा, कुराड़ा है यह नागौर में स्थित है। कुराड़ा सभ्यता नागौर में। इसे औजारों का या औजारों की नगरी भी कहते हैं। औजारों की नगरी भी कहते हैं। इसके बाद में बात करेंगे अपन जो रेड टोंक चौथे नंबर की है। ठीक है। रेड जो सभ्यता है वो टोंक जिले में स्थित है। यहाँ सर्वाधिक मात्रा में सिक्के प्राप्त हुए हैं। सर्वाधिक मात्रा में सिक्के प्राप्त हुए हैं इसलिए इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं। यानी कि प्राचीन भारत का टाटा नगर कौन है, रेड।
प्राचीन भारत का टाटा नगर रेड डोंक है। पहले पहले चार पढ़ ली है, अब पांच ही पढ़ेंगे इस बार। इस बार उदयपुर जिले में स्थित है। उदयपुर जिले में स्थित है। यहाँ प्राचीन काल में लोहा निकाला जाता था, यानी कि प्राचीन काल में लोहा निकाला जाता है। प्राचीन काल में लोहा निकाला जाता है। अब इसके बाद में आप छठा नंबर की बात करेंगे, जो है जोधपुरा। जोधपुरा ये जयपुर जिले में स्थित है। जोधपुरा जयपुर जिले में स्थित है और साबी नदी के किनारे स्थित है। साबी नदी के किनारे यह है स्थित है। और इसके बाद में अपन सात नंबर की बात करेंगे, नलियासर। नलियासर सांभर जयपुर में स्थित है, सांभर के पास है स्थित। जयपुर जिले में यह है स्थित है। इसके बाद में अपन बात करेंगे, जो है गरदड़ा। गरदड़ा है बूंदी में, आठ नंबर की। ठीक है, बूंदी में स्थित है। यहाँ प्राचीन भारत की रॉक पेंटिंग भी कहते हैं इसको, गरदड़ा को प्राचीन भारत की रॉक पेंटिंग पेंटिंग। प्राचीन भारत की रॉक पेंटिंग भी कहते हैं। इसके बाद में अपन बात करेंगे बागोर। बागोर यह बागोर सभ्यता है जो भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे स्थित है। भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे। कोठारी नदी के किनारे स्थित है। डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र ने जो है जो उन्होंने उत्खनन किया था, ठीक है, 1967 में। डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र जो है वो उत्खनन करता है। उत्खनन डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र ने किया था 1967 में। उसके बाद में अपन बात करें 10 नंबर की, जो है सोती। यह बीकानेर में स्थित है, बीकानेर जिले में स्थित है। और जो अमलानंद घोष है, इसने कहा था कि कालीबंगा फर्स्ट भी कहा जाता है इसको। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया है प्राचीन भारत का। अब अपन कल बात करेंगे मध्यकालीन राजस्थान का।